हेलो गाइस, दिस इज़ सनी शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी शर्मा फिटनेस। सो गाइस, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो इस टाइम का काफ़ी हॉट टॉपिक है, जो कि ऑलमोस्ट हर सोशल मीडिया में, हर न्यूज़ में इसके बारे में बात हो रही है, और जब भी लोग आपस में मिलते हैं या फ़ोन पर बात करते हैं तो इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन होती है। यस गाइस, इम्यूनिटी कैसे बूस्ट अप की जाए, स्पेशली आजकल जैसे कोविड-19 की सिचुएशन है, और जहाँ ओवरऑल हेल्दी रहने के लिए हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं घर पे रह के, मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि हम कौन कौन से फूड अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं घर पे, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप होगी। इम्यूनिटी ना ही आपकी एक दिन में बनेगी, आपको अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए उसके ऊपर लॉन्ग टर्म पर काम करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अपना ओवरऑल लाइफस्टाइल आपको हेल्दी करना पड़ेगा। इसके बारे में किसी और दिन बात करूँगा जब कोई और वीडियो मैं बनाऊँगा, क्योंकि ये अलग से एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो आज मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स बताने वाला हूँ जो कि आपके घर में अवेलेबल हैं, और आप उनको यूज़ करके आप अपनी इम्यूनिटी घर पे बूस्ट अप कर सकते हैं। वह सबसे पहले बात करते हैं विटामिन्स की, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए हेल्प करते हैं। तो इनमें सबसे पहला विटामिन है विटामिन सी, एंड देन विटामिन B6, एंड देन विटामिन ई। अभी बात करते हैं ये विटामिन हमें किन किन फूड से मिलते हैं। अभी उस विटामिन की बात करते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, वो है विटामिन सी। सो गाइस, एक्चुअली विटामिन सी से होता क्या है, इसके बारे में भी बात करते हैं। सो बेसिकली विटामिन सी से हमारे बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं, विटामिन सी उनको बूस्ट अप करने के लिए हेल्प करता है, उनको उनकी प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प करता है, जो कि बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट रहते हैं, और यही वाइट ब्लड सेल हमें किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने के लिए हेल्प करते हैं। अभी बात करते हैं कि विटामिन सी हमें किस फूड में सबसे हाई मिलता है। तो इनमें नंबर वन फ्रूट है सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स। सो आप इनमें से किसी भी सिट्रस फ्रूट को अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। मे भी हो सकता है कि ये कुछ सिट्रस फ्रूट ऑल ओवर द सीज़न में अवेलेबल ना हो, बट लेमन एक ऐसा फ्रूट है हर सीज़न में पूरा साल अवेलेबल रहता है। एटलीस्ट आप इसको अपनी लाइफस्टाइल में और रूटीन में आप ऐड कर सकते हैं। मैंने फैट लॉस वीडियो एक मैं बना चुका हूँ, उसमें मैंने लेमन के बेनिफिट्स बताए हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि आप लेमन को एटलीस्ट अपनी रूटीन में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, अगर वेजिटेबल्स की मैं बात करूं, जिसमें सबसे हाई परसेंटेज में जिसमें विटामिन सी रहता है, वो है रेड बेल पेपर, जिसको हम शिमला मिर्च भी बोलते हैं, लाल शिमला मिर्च। सो इसमें हाई परसेंटेज में विटामिन सी अवेलेबल रहता है, और इसमें एक और एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल रहता है जिसका नाम रहता है बीटा कैरोटीन, और जब हम इसको खाते हैं हमारी बॉडी में वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारी स्किन और हमारी आईज़ के लिए हेल्दी है। सो हमारी लिस्ट में जो तीसरा फूड है वो है ब्रोकली, दिस इज़ अगेन हाई इन विटामिन ए सी एंड ई, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए हेल्प करता है। बट आप जब भी इसको पकाएं, तो आप इसको कम से कम पकाएं, ताकि इसके जो विटामिन है वो बने रहें और हमें हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप करने में हेल्प मिले। सो हमारी लिस्ट में जो फोर्थ फूड है वो है गार्लिक, इसमें इम्यूनिटी बूस्ट अप करने की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, और जो इसमें जो इम्यूनिटी बूस्ट अप करने की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, वो एक ऐसे कंपाउंड से आती हैं जो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर रहता है, इसका नाम एलिसिन है, और ये गार्लिक तो हमारी किचन में ऑलरेडी अवेलेबल रहता ही है। तो मैं तो प्रेफर यही करूँगा कि एटलीस्ट आप इसका एक स्लाइस कच्चा खा सकते हैं, अगर आप इसको चबा नहीं सकते तो एटलीस्ट आप इसको छोटा छोटा क्रश करके आप पानी के साथ इसको निकल सकते हैं, ताकि आपको इसके प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड बेनिफिट्स मिल सके, क्योंकि पकाने पर इसके काफ़ी न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। सो गाइस, हमारी लिस्ट में जो पांचवें नंबर पे जो फूड है वो है जिंजर, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, जो कि आपको किसी भी तरीके की डिसीज़ और इलनेस में हेल्प करती है, उससे फाइट करने के लिए, स्पेशली इन सोर थ्रोट और इन्फ्लेमेशन इलनेस में। सो गाइस, इन्फ्लेमेशन इलनेस से मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जब भी कभी एसिड्स क्रिएट होते हैं या कभी जलन होती है, और उसकी वजह से जो इलनेस होती है, स्पेशली जिंजर आपको उसमें हेल्प करेगा, और ये भी हमारी किचन में ऑलरेडी अवेलेबल रहता ही है। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट वेजिटेबल है वो है स्पिनिच, जो जिसको हम पालक भी बोलते हैं, जो कि हाई इन विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स है, और इसमें भी बीटा कैरोटीन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए हेल्प करता है। सो पालक को भी आप कम से कम पकाएं जब आप इसको पकाएंगे, ताकि इसके न्यूट्रिशन और इसके विटामिन्स बने रहें। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट फूड आइटम है वो है नट्स, आई मीन ड्राई फ्रूट्स, स्पेशली आलमंड्स, जो कि विटामिन ई में हाई रहते हैं। और अगर मैं बात करूं कि विटामिन सी के बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट अप करते हैं, वो है विटामिन ई। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट फूड आइटम है वो है सनफ्लावर सीड्स,
ये विटामिन ई, विटामिन B6 और इसमें फॉस्फोरस भी है और मैग्नीशियम भी है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए हेल्प करते हैं। सो गाइस, इसमें सेलेनियम भी अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल रहता है, और कुछ स्टडीज़ भी ऐसी हुई हैं जो कि एनिमल्स पे हुई हैं, जिसमें ये पाया गया है कि स्पेशली जो वो स्टडीज़ एनिमल्स पे स्वाइन फ्लू के टाइम पे हुई हैं, इसमें ये पाया गया है कि इट्स वेरी हेल्पफुल टू ओवरकम दैट फ्लू। सो गाइस, नेक्स्ट फूड आइटम है टर्मरिक, जिसको हम हल्दी भी बोलते हैं। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, जो कि हमें किसी भी तरह के वायरल फ्लू से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को हेल्प करता है। और अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का मसल डैमेज भी रहता है, तो ये उससे हील करने के लिए हमें हेल्प करता है। सो गाइस, नेक्स्ट फूड आइटम इज ग्रीन टी, जो कि हम सबकी फेवरेट है, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर भी है। सो दिस इज़ ए हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, सो इसके हम दिन में 3-4 कप पी सकते हैं टू बूस्ट अप आवर इम्यून सिस्टम। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट फूड आइटम है वो है पपाया, जिसको हम पपीता भी बोलते हैं। दिस इज़ आल्सो हाई इन विटामिन सी, और इसमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रहता है जिसका नाम है पपायन, जिसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रहता है हमारी बॉडी पे। सो गाइस, नेक्स्ट जो फूड आइटम है वो है कीवी फ्रूट, जो कि हाई इन विटामिन सी रहता है, और इसके अलावा इसमें विटामिन के भी रहता है, फोलेट भी रहता है, और पोटेशियम भी काफ़ी हाई रहता है इसमें। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट फूड आइटम है वो है पोल्ट्री फूड्स, जिसमें चिकन और टर्की आता है। ये विटामिन B6 में काफ़ी हाई रहते हैं। सो विटामिन B6 बेसिकली हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में न्यू रेड ब्लड सेल्स जनरेट करने के लिए, एंड यही रेड ब्लड सेल्स में हमारा हीमोग्लोबिन रहता है, जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए और फ्लो करने के लिए हेल्प करते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन विटामिन्स के ऊपर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स के ऊपर, जो कि आपको आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए हेल्प करेंगे। तो आप इनको अपनी डेली रूटीन में ऐड कीजिए। सो गाइस, इस वीडियो से पहले मैंने इन सब फूड्स आइटम्स पे और विटामिन्स पे काफ़ी रिसर्च की थी, ताकि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छे से बूस्ट अप कर पाएँ। एंड गाइस, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं या कुछ क्वेश्चन और कुछ आपके डाउट्स हैं, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बता सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल and like and share this video to your friends, so that unko bhi iske benefit mil sakein. Okay guys, see you soon in next video. Take care.